यह कथा पाप का फल भोगना ही पड़ता का है। मनुष्य को ऐसे शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा मैंने पाप तो किया नहीं पर दंड मुझे मिल गया। कारण यह है कि सर्वज्ञ सर्वशुद्ध सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का फल होता है। एक सुनी हुई घटना है कि गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना आता रहता था और वह गड़कर देता रहता था। ऐसे वह पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास अधिक सोना जमा हो गया। रात्रि में पहरा लगाने वाले सिपाहियों को इस बात का पता लग गया। उस पहरेदार ने रात्रि में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना था उसे उठाकर चल दिया। इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिए उठकर बाहर आए। उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया कि तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रह, हल्ला मत कर, इसमें से कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लूँ। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ। पहरेदार ने कहा, देख तू समझ जा, मेरी बात मान ले, नहीं तो दुख पाएगा। पर वो सज्जन माने नहीं। तब पहरेदार बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी बस सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहाँ आ गए। उसने सबसे कहा कि यह इस घर से बक्सा लेकर आया और मैंने इसको पकड़ लिया। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन्होंने उस सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। जज के सामने बहस हुई तो सज्जन ने कहा कि मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाहियों ने मारा है। सब सिपाही आपस में मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है, इत्यादि बोलते रहे। मुकदमा चला है, चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो सरासर अन्याय हो रहा है, भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं, मैंने मारा नहीं, मुझे दंड हो और जिसने मारा वह बेदाग छूट जाए, जुर्माना भी नहीं, यह अन्याय है। जज पर उसके वचनों का असर पड़ा कि वास्तव में यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उसी सिपाही को और कैदी सज्जन को मरे व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए भेजा। दोनों उस आदमी के साथ वहाँ गए जहाँ लाश पड़ी थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था, खून बिखरा पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर ले चले। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख उस दिन तू मेरी बात मान लेता तो सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई का ही किया था, फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड भोगना पड़ा मेरे को, भगवान के यहाँ न्याय नहीं। खाट पर झूठ मूठ के मरे हुए सामान पड़ा हुआ आदमी उस दोनों की बातें सुन रहा था। जब जज के सामने खाट रखी गई तो खून भरे कपड़े को हटाकर वो उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बात जज को बता दी। रास्ते में सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला, यह सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ, सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, परंतु जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या। वो बोला, बहुत पहले की घटना है, एक दुष्ट था जो छिपकर मेरे घर में स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री को तथा उसको अलग अलग खूब समझाया पर वो माना नहीं। एक रात वो घर पर था और अचानक मैं आ गया, मेरे को गुस्सा आया हुआ था, मैंने तलवार से उसका गला काट दिया था और घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। यह सुनकर जज बोला, तुम्हारे को इस समय फांसी होगी ही, मैंने भी सोचा कि मैंने किसी से घूस नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म लिखा कैसे गया।
अब संतोष हुआ, उसी पाप का फल तुम्हें भोगना पड़ा। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर सिपाही को पकड़कर अपने कर्तव्य का पालन किया, फिर उसको जो दंड मिला है वो उसके कर्तव्य का फल नहीं है, प्रचुत उसके बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्यारे का फल है। कारण है, मनुष्य को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, मारने का अधिकार नहीं। मारने का अधिकार रक्षक क्षत्रिय का राजा का है, अतः कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यही मिला गया और परलोक के भयंकर दंड से उसका छुटकारा हो गया। कारण इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में छुटकारा हो जाता है, थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। इस कहानी से यह पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है, जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता, जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में।